नमस्कार, मैं हूँ रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। और राष्ट्र आजकल की टीम आ पहुंची है ब्यावरा विधानसभा में। यहाँ पर उपचुनाव है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर नारायण सिंह पवार को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने रामचंद्र दांगी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। दोनों के बीच यहाँ पर कांटे की टक्कर है, तो हम यहाँ पर लोगों से भी जान लेते हैं इस बार वो किसको जिताने वाले हैं, किसके सर पर जीत का सहरा बांधने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं, हम चाय की दुकान और होटल पर ये बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं, ब्यावरा विधानसभा के कई गांवों से लोग यहाँ आते हैं, तो हमने सोचा कि यहीं पर उनसे जानकारी लेते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? क्या लगता है इस बार क्या होगा? जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस जीतेगी? ऐसा क्यों? कांग्रेस क्यों जीतेगी? क्यों जीतेगी मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, ऐसा क्या है उनमें? क्या है उनमें? खुफिया सी। अच्छा, बिल्कुल। कौन? रामचंद्र दांगी जी को इस बार प्रत्याशी बनाया है? हाँ। तो जीतेंगे? जीतेगा। अच्छा, और क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? बहुत बढ़िया समस्या हमारे क्षेत्र की, तो समस्याएं हैं। हाँ। तो उनका निदान करा है? बिल्कुल। चलिए, इन्होंने बताया कि ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको समर्थन करते हैं, और भी लोग हैं, आप हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? श्रीनाथ दांगी। अच्छा, आप दांगी हैं जी। तो इस बार क्या लगता है किसको सर पुनः कांग्रेस को चुनेंगे? क्यों चुन रहे हैं? इसका कारण ये है कि हमारे यहाँ 2 लाख की कर्ज माफी की घोषणा की थी कांग्रेस ने। हाँ। 1 लाख तक का कर्ज माफ कर चुके हैं। हाँ। जैसे भाजपा की सरकार आई और कर्ज माफी रोक दी गई है। शिवराज जी तो कह रहे हैं उनने 2 लाख की, झूठ बोल रहे हैं वो। अच्छा, झूठ बोलते हैं वो। पैसे नहीं, नहीं, 1 लाख तक की कर्ज माफी कमलनाथ जी ने कर दी थी हमारी, और पुनः अगर सरकार बनेगी कांग्रेस की तो हमारी 2 लाख की कर्ज माफी होगी। अच्छा, दूसरी बात, ब्यावरा विधानसभा से बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है जो सबके लोकप्रिय है, और आज मतलब व्यक्तिगत आदमियों के हमेशा से, या तो सरकार रही या नहीं रही, सब लोगों के काम आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि पुनः एक बार कांग्रेस बने। दूसरी बात कि हमारे जो पूर्व विधायक जी थे, जो सिंधा सरगवास हो गया गोवर्धन जी, उनकी भी इच्छा है कि यहाँ कांग्रेस जीते। वो जाते जाते भी कह गए थे कि मैं अगला ऊपर से देखूंगा कि आने वाले समय में रामचंद्र ब्यावरा का विधायक बने। तो ये यहाँ पर जो आम जनता है उनके यहाँ पर आपने विश्लेषण देखे, उनकी यहाँ पर सोच देखी। एक और यहाँ पर दादा है, काफी जो है बुजुर्ग है, काफी इनको उम्र का जो है नॉलेज है बहुत ज्यादा। क्या नाम है दादा आपका? अच्छा, इस बार क्या लग रहा है कौन जीतेगा? रामचंद्र जी जीतेगा कांग्रेस। अच्छा, बीजेपी वालों में क्या बुराई है? मैं पूछने बुराई बुराई की नहीं कह रही जी, पर हमारे कर्ज की माफ करियो जी, वो रुक गयो। अच्छा, अबे जी, तो ये जीत गया तो हमारा कर्ज 2 लाख का फ्री है जी, माफ हो जाओ। अच्छा, हाँ, इसलिए अब ये झूठ बोल दिया, बचे 2 लाख का कर्ज माफ रोक दिया। चलिए, तो ये भी जो है रामचंद्र दांगी जी की बात कर रहे हैं, आपसे बात करूंगा, आप किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? हम रामचंद्र दांगी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वही निकलेगा और वो भारी बहुमत से विजय होगा। ऐसा क्यों? अनुमान है। अच्छा, वरिष्ठ नेता है, सभी आम आदमी को। पहले तो 2 बार हार चुके हैं। नहीं, वो तो हार जीत तो होती जाती रहती है जी, ये तो ऐसा ही होता है, हार जीत को किसी नहीं होती जी। 2 मैदान में आते हैं, एक हारते जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है इस इलेक्शन में रामचंद्र दांगी निकल जाएगा। चलिए, तो ये भी जो है यहाँ पर रामचंद्र दांगी जी की बात कर रहे हैं। अब एक और भैया यहाँ खड़े हैं, भैया मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? सरकार की है, लेकिन विधायक कांग्रेस से ही है। ब्यावरा में कौन सा विधायक चाहिए? रामचंद्र दांगी। क्यों? राजगढ़ जिला का वरिष्ठ नेता है, ईमानदार है, कर्मठ है, युवाओं को साथ में लेके चलते हैं, बुजुर्ग लोगों को साथ में लेके चलते हैं, ईमानदार व्यक्ति। तो आप उनको चुनना चाहेंगे? हम बीजेपी में वोट करते हैं, लेकिन रामचंद्र दांगी को वोट करेंगे। आप ब्यावरा में, आपका क्या नाम है भैया? ओम प्रकाश गोस्वामी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? वही होगा सर। क्या बताएं जरा जनता को? रामचंद्र जी दांगी को वोट करेंगे। रामचंद्र दांगी जी को वोट करेंगे, क्यों करेंगे उनको वोट? ऐसा क्या है? अच्छे इंसान है। अच्छा, वरिष्ठ नेता है, बीजेपी से जो है पूर्व विधायक वो भी मैदान में है। हाँ। उनके बारे में क्या राय है? उनके बारे में कुछ राय नहीं। अच्छा, उनको सपोर्ट करेंगे रामचंद्र दांगी? चलिए, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, मैं एक और भैया हैं इनसे भी जानूंगा, आपकी क्या राय है?
हमारी राय यह है कि रामचंद्र जी ईमानदार व्यक्ति कर्मशील सदैव है और वो पार्टी के लिए सदैव काम करते रहे हैं और हमारे पूर्व विधायक साहब नारायण सिंह जी कुमार भी विधायक साहब रह चुके हैं पर हमारे गांव में अभी तक आया नहीं है। हमारा कोई मुआवजा वावजा कोई संशोधन वगैरह कोई निराकरण नहीं हुआ है। इसके बारे में हम भी ये चाहते हैं कोई हमारा भी काम होए। हमारा वरिष्ठ व्यक्ति है तो रामचंद्र दांगी जी हमारे लिए वरिष्ठ है और हम उनको जिताने और बनाने के लिए उम्मीदवार चाहते हैं। तो यहाँ पर तो हर तरफ जो है रामचंद्र दांगी जी का बोलबाला दिखाई दे रहा है। और कोई यहाँ पर अपने कैमरे पर बात करना चाहेगा? भैया आप करना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? ये हमारी राय है कि हम इस बार कांग्रेस को वोट करके कमलनाथ की सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्यों आपको क्यों लग रहा है कमलनाथ की सरकार? हमें कमलनाथ की सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि कमलनाथ की सरकार किसानों के हित की सरकार है और किसानों को वो लाभ पहुँचाएगी, इसलिए हम कमलनाथ सरकार बनाएंगे। ब्यावरा विधानसभा में किसको वोट करेंगे? ब्यावरा विधानसभा में हम कांग्रेस के श्री रामचंद्र दांगी को वोट करेंगे और भारी से भारी बहुमत से उन्हें विजय बनाएंगे और हमारी युवा साथियों को भी कहेंगे कि वो कांग्रेस को वोट करें। तो भैया यहाँ पर तो बहुत ही एक तरफा उनके समर्थक मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं रामचंद्र दांगी जी के। चारों तरफ मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ रामचंद्र दांगी जी की ही बात कर रहे हैं। और हालांकि हो सकता है ये यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये उनके समर्थक भी हो सकते हैं, लेकिन हम पूरा ब्यावरा घूमेंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले से हम जनता की राय आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि इस बार ब्यावरा विधानसभा में जीत का सहरा किसके सर बंधेगा। हम इसी तरह की रोचक वीडियो हमेशा आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। अभी दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।